अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साथ फ्रॉम जीएम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरे पास ओप्पो A96 मोबाइल फोन यूज़ में अवेलेबल है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो आज मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और वीडियो की जो सेकंड हैंड प्राइस चली वो बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना, स्किप मत कीजिएगा। प्राइस जो है वीडियो के दरमियान बताऊंगा आपको मैं। तो इस सेट में पर कंप्लीट बॉक्स सेट है, सनसेट ब्लू कलर में है, 8 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी स्टोरेज है। सबसे पहले आपको मैं इसकी एक बार कंडीशन चेक करवा देता हूँ। जस्ट कह लें कि आप 1 वीक भी सेट ये यूज़ नहीं है, 10x10 कंडीशन है सेट की, किसी किस्म के निशान वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 33 वाट के चार्जर के साथ, 3.5 mm जैक मिल जाएगा आपको ऑडियो का। फ्रंट पे जो है कंपनी की ओरिजिनल शीट लगी हुई है, तो बिल्कुल 10x10 सेट है, 0 मीटर सेट है ये। बाकी स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। 6.59 इंच जो है इसका स्क्रीन साइज़ है, फुल HD+ आपको इसमें रेजोल्यूशन मिल जाएंगे 401 PPI के साथ। अबाउट फोन में भी आपको आपकी मैं डिटेल चेक करवा देता हूँ। कलर वर्जन जो है इसका V11.1 मिल जाएगा, एंड्रॉयड वर्जन इसमें आपको 11 मिल जाएगा, 8 GB + 3 GB इसमें एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी आपको। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन मिल जाएगा 680 का, 4G 6 नैनोमीटर के साथ, और डिवाइस की जो स्टोरेज है आपको 128 GB मिल जाएगी। 191 ग्राम सेट का वेट है, वन हैंड इसको आप इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक साइड पर कैमरे का जो डिज़ाइन दिया हुआ है काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है, डुअल कैमरा मिलता है इसमें आपको, 50 MP + 2 MP मिल जाएगा आपको बैक साइड पर डुअल कैमरे के साथ, और फ्रंट आपको 16 MP मिलता है, पंच होल कैमरा मिल जाएगा लेफ्ट साइड पर जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो काफ़ी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, और बैक कैमरे जो डिज़ाइन दिए हैं काफ़ी खूबसूरत है। फिंगरप्रिंट जो इसमें आपको साइड माउंटेड मिल जाता है, वो भी आपको मैं भी लगा के चेक करवा दूँगा। बैटरी मैंने आपको बताई है इसकी, 5000 mAh बैटरी है इसकी, 33 वाट चार्जर जो है इसके साथ सपोर्ट करता है। बाकी कैमरा वगैरह भी आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। रिफ्रेश रेट इसमें जो है आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। न्यू जो इसकी इनवाइस है 41,999 रुपीज़ का ये न्यू प्राइस है, और ये मेरे पास जस्ट 1 वीक भी इस्तेमाल नहीं है, तो इसकी जो डिमांड कर रहा हूँ 35,000 रुपीज़ सेट की डिमांड है। बाकी साइड जो फिंगरप्रिंट वगैरह और कैमरे वगैरह आपको मैं डिटेल से चेक करवा देता हूँ कि कैसा वर्क कर रहे हैं। ओप्पो के जो सेट होते हैं इतना इशू आता नहीं उनमें फिंगरप्रिंट वगैरह का, काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। गेमिंग के लिए भी अगर आप लेते हैं तो गेमिंग के लिए भी अच्छी डिवाइस है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, इतना कोई इशू आता नहीं है, गेम इतनी आपकी लैग वगैरह नहीं करेगी। और 50 MP का इसका बैक कैमरा दिया गया है, फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी डिवाइस रहेगी है। बाकी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, फेस अनलॉक भी जो इसमें मिल जाएगा आपको, वो भी लगा के चेक करवा देता हूँ वो कैसा वर्क करता है। वो भी काफ़ी फास्ट होता है वैसे इनका, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी इसने फास्ट डिटेक्ट किया है। पहले फेस अनलॉक चेक करवा देता हूँ आपको, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी फास्ट इसने फेस को डिटेक्ट किया हुआ है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है काफ़ी फास्ट है इसका, हल्का सा आपने इसको टच करना तो ये ऑन हो जाता है। बाकी कैमरे लगे हैं वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, कैमरे में जो जो ऑप्शन आ रही है पहले वो चेक करवा देता हूँ। लाइट की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, 1080p तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें आप। इसके अलावा फ़ोटो की ऑप्शन मिल जाएगी आपको, उसमें पोर्ट्रेट के अलग से ऑप्शन मिल जाएगी, मोर में आएंगे तो स्लो मोशन की ऑप्शन मिल जाएगी। तो पिक्चर्स लेके भी कुछ आपको चेक करवा देता हूँ। तो कैमरा से मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं है, फ्रंट और बैक कैमरे से आपको चेक करवा देता हूँ। ये इसके फ्रंट कैमरे की पिक्चर है, ये इसके जो है पोर्ट्रेट कैमरा है। कैमरे आपको पता है कि ओप्पो के काफ़ी अच्छे कैमरे होते हैं, पोर्ट्रेट कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका। सिंगल कैमरा आपको फ्रंट में मिलता है 16 MP का, उस लिहाज से कैमरा जो है इसका ठीक है। ये इसके बैक का रिजल्ट है पोर्ट्रेट कैमरे का, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से इसने पोर्ट्रेट काम किया है, और कलर्स वगैरह भी आप देख लें, ये भी इसके जो है बैक कैमरे का रिजल्ट है, पोर्ट्रेट कैमरे का रिजल्ट है। कैमरे इसके ठीक है, बैक कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है इसका 50 MP के हिसाब से, और डिवाइस भी जो है काफ़ी अभी आपको तो न्यू आई है, और डिज़ाइन जो है इसका बहुत खूबसूरत है। इस बार जो है ओप्पो ने डुअल कैमरे के साथ लॉन्च किया अपना फ़ोन। बाकी इसके साथ कंप्लीट बॉक्स है मेरे पास, वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ बॉक्स में जो जो चीज़ें हैं। ये आपको इसमें ओरिजिनल इसकी टाइप सी केबल मिल जाती है,
ओरिजिनल टाइप सी केबल मिल जाएगी और ओरिजिनल आपको 33 वाट का मैक्स चार्जर मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। प्राइस मैंने जो है वीडियो में मेंशन कर दी है, जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर जिस कस्टमर को भी परचेज़ करना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।